ऐसे महापाप करने वाले के साथ तो कोई 3 साल रहे तो उसको भी उतना पाप लगता है। बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रधानमंत्री, उनके जीवन में भी दुख है। वस्तुओं से, धन से, सत्ता से दुख नहीं मिटते। देखो ये नई बात लगेगी आपको, हम गरीब हैं, गरीबी का सदुपयोग कर लो। हम बीमार हैं, बीमारी का सदुपयोग कर लो। हम परेशान हैं, परेशानी का सदुपयोग कर लो, भला हो जाएगा। आप देखो 40 दिन के अंदर तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, ऐसी ऐसी समझ आएगी, ऐसे ऐसा अंदर से भगवान की कृपा होगी, बेड़ा व्यापार हो जाए। 5 महापाप होते हैं, उसमें दारू का नंबर पहला होता, मदिरा पान, ब्राह्मण की हत्या, गुरुपत्नी गमन, अशुद्ध आदि। ऐसे महापाप करने वाले के साथ तो कोई 3 साल रहे तो उसको भी उतना पाप लगता है। शराबी के साथ कोई रहे 3 साल तो उस शराब पीवे चाहे नहीं पीवे, उसको भी वैसे पाप लगता है। जब पापी के साथ रहने से पाप लगता है तो संतों के साथ, भक्तों के साथ रहने से पुण्य भी तो होता है। प्रभु तेरी जय हो। आदिवासी सुन लो और प्रतापगढ़ के भक्त भी सुन लो, घर में अगर बिल्ली के पैरों की धूल, बकरी के पैरों की धूल और झाड़ू की धूल घर में आती है तो घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, कंगालता है। अगर गाय के खुर की धूल, निर्दोष मासूम के पैर की धूल आती है, घर में सुख समृद्धि। बकरी के पैर की धूल और बिल्ली के पैर की धूल जिस घर में पड़ती है उस घर में बरकत नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं रहती। जिनके घर में कुत्ता घूमता फिरता है तो कुत्ता भी कहीं कुछ भी सूंघता है, कुछ भी खाता है, कहीं भी आता जाता है। दया करके, प्रेम करके कुत्ते को रोटी का टुकड़ा अपनी जगह पर डाल दो, लेकिन घर में कुत्ता घुसे, आज के बड़े लोगों की क्या बड़ी गड़बड़ी हो रही है। विदेशों में तो खूब हो रहा है, अपने देश में भी बड़े लोगों को की बड़ी हानि करने वाला कुत्ते का संग हो रहा है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि आइसक्रीम लाएंगे, अपने मुंह पे रखेंगे और कुत्ता चाटेगा। ऐ छीरे छी, कुत्ते के साथ बैठ के खाते, समझो अगला जन्म कुत्ते का तैयार कर रहे हैं। जिसका संग जैसा होता है ऐसा रंग लगता है। मंदिर में, आश्रम में और राज दरबार में कुत्ता वर्जित है। कुत्ता बिल्ली को टुकड़ा दे दो, लेकिन कुत्ता बिल्ली को स्पर्श करो तो फिर हाथ मांज लो, नहीं तो उनके जीवाणु और उनके संस्कार को नीचा गिरा दे। तो बिल्ली के पैर की धूल, बकरी के पैर की धूल अपने घर में नहीं आने देना। और मासिक धर्म में हो तो पति को, बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना के नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो उनके बुद्धि का ओज तेज दबू रह जाएगा। लेकिन इससे भी समस्याओं का हल नहीं होता, इससे भी दुख नहीं मिटते। मुफ्त में आटा पीस के मिल गया तो दुख नहीं मिटेंगे। एक एक किलो तेल की बोतल मिली, कपड़े मिले, पगड़ियाँ मिली, भाइयों को मिले गहने गांठ, जो भी कुछ मिला, इससे भी दुख दूर नहीं होगा। दुख तो दूर होगा, दुखहारी प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। संसार का दुख सुख आता जाता है, लेकिन भगवान हमारे साथ सदा रहता है। उस भगवान का नाम, उस भगवान को अपना मानना, उस भगवान से प्रीति करना और दुख का सदुपयोग करना। जिनके पास पैसा है वे भी दुखी हैं, जिनके पास सत्ता है वे भी दुखी हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, न्यायाधीश हैं, उनके जीवन में भी दुख है, बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रधानमंत्री उनके जीवन में भी दुख है। वस्तुओं से, धन से, सत्ता से दुख नहीं मिटते। दुख का सदुपयोग करने से दुख टिकते नहीं और सुख का सदुपयोग करने से सुख मिटता नहीं। देखो ये नई बात लगेगी आपको, आपके पास कुछ भी नहीं है,
बोले हम तो मूर्ख हैं, आप मूर्खता का सदुपयोग कर लो। हम गरीब हैं, गरीबी का सदुपयोग कर लो। हम बीमार हैं, बीमारी का सदुपयोग कर लो। हम परेशान हैं, परेशानी का सदुपयोग कर लो, भला हो जाएगा। हम परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, किस कारण है? आसक्ति के कारण है, बदपरहेजी के कारण है, या किसी को देखकर जलते हैं उसके कारण है? उस कारण को खोज के थोड़ा सा, ये सब भगवान की लीला है। दुख और परेशानी मन की कल्पना है। बीमारी शरीर को होती है, दुख मन को होता है। और मन बदलता रहता है, दुख भी बदलता रहता है, बीमारी भी बदलती रहती है। तुम तो अबदल हो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बोलते जो प्रीति पूर्वक मेरे को भजते हैं उनके बुद्धि में मैं अपना ज्ञान दे देता हूँ। भजताम बुद्धि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो प्रीतिपूर्वक कैसे भजेंगे कि भगवान को अपना मान लो। भील जाति का तो नाम सुना है, भील। तो भील जाति वैसे ही काले काले होते हैं जैसे तुम हो, वैसे भील जाति में भी काले काले होते हैं। और उसमें भी शबर जाति, नाक ऐसा आँखें ऐसी, ऐसी गरीब और अनपढ़ शबरी भीलन थी। तो अनपढ़ मूर्ख हैं, गरीब हैं, भील हैं, शबर जाति के। लेकिन सदुपयोग किया कि मैं तो भगवान की हूँ। शबरी ने अपनी मूर्खता का, अपने अनपढ़ता का, अपनी भील जाति का स्वीकार कर लिया, मैं जैसी तैसी हूँ, भगवान की हूँ। और संत भगवान के प्यारे हैं, मतंग ऋषि के संत आश्रम में जाती, नम्रता से सुनती और राम राम रटती। गरीबी का, मूर्खता का सदुपयोग किया। शबरी भीलन इतनी महान हो गई कि आज लोग भजन गाते हैं। सरोवर कांठे शबरी बैठी रटे राम नु नाम, एक दिन अब है स्वामी मारा अंतर राये राम। गुरु ना वचनो माथे राखी हाये धरती ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा हाये राखी हम। मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनजान हूँ, लेकिन तेरा हूँ। बस भगवान को अपना मान के भगवान के सामने देखे, रा बोलो तो रा, एक टक देखते जाओ और भगवान को देखते जाओ और ऐसे बोलते जाओ रा। जैसे बच्चा बोले माँ माँ, तो माँ सौ काम छोड़कर बच्चे की देखभाल करती है। ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट रोज जपे। गरीब है, अनपढ़ है, दुखी है, बीमार है, कोई पैसा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो कर सकता है ना। आप देखो 40 दिन के अंदर तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, ऐसी ऐसी समझ आएगी, ऐसा ऐसा अंदर से भगवान की कृपा होगी, बेड़ा व्यापार हो जाए। धन्ना जाट, जाट लोग बोलते हैं, जो जाट इधर हैं, कोई मीणा तो है, जाट भी होते हैं, जाट जाति होती। अनपढ़ा जाट पढ़े जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, धन्ना जाट। बोले जट्टा कट्टा घिसा सिक्का और सरकारी घोड़ा, चल पड़ा तो चल पड़ा, अड़ गया तो अड़ गया। जाट अड़ जाए तो मुश्किल। मेरे जाट बहुत शिष्य है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा रखते। तो धन्ना जाट अड़ गया तो अड़ गया। बाबा महाराज की कथा सुनी और कथा में सुना कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। नहाकर भगवान को निला दे और भगवान को भोग लगा के खिला के खाए
वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में देवता है। और जो ऐसे ही खाता है, अपने पेट के लिए खाता है, वो तो पाप खाता है। अब वो जाट बोले, मैं पाप क्यों खाऊंगा, मैं तो भगवान को, अब भगवान कहाँ से लाऊं, मैं तो पैसा तो नहीं है और मैं तो अनपढ़ जाट हूँ। वो साधु बाबा कथा करके अब जाने वाले हैं, लोगों के बीच तो मिलूंगा तो ठीक नहीं। वो भाग के जंगल में जहाँ से बाबा का घोड़ा जाने वाला है आगे खड़ा हो गया और घोड़े की लगाम पकड़ ली, बाबा मेरे को भगवान दे दो, मेरे को भगवान दे दो। वो बाबा कोई महान संत नहीं थे, वो तो पंडित थे, कथाकार। उन्होंने देखा कि भाई भगवान कहाँ से ला दूँ, मैं तो पूजा करता हूँ। बोले वो तो तुम्हारा दे दो ठाकुर जी। अब उसने कहा कि इस जाट्टा को हटाना तो पड़ेगा। वो सिलबट्टे पे भांग घोटा था, सिलबट्टा निकाल के जट्टा को दे दिया, धन्ना जट्टा को। ले बोले ये ठाकुर जी है, नहाकर निलहियो और खाकर खइयो। क्या समझे? बोले हाँ, नहाकर निलहियो और खाकर खिलाकर खइयो। अच्छा बाबा, वही करूँगा। वो ले गया, ले गया सिलबट्टे को भगवान मान के, भगवान मैं तो थारो हूँ। भगवान को स्नान करा दिया, नहा के भगवान को नहला दिया। अब रोटी माँ ने बनाई, बाजरी की रोटी और थोड़ा सा सब्जी वब्जी। पौना किले का तो खेत था, गरीब आदमी था, अनपढ़ था, लेकिन सदुपयोग किया। भगवान खाओ, गिरधर गोपाल खाओ, पर्दा लगा दिया, देखे भगवान खाए नहीं। अब गुरु ने तो बोला है खिलाकर खाइयो, एक दिन हो गया तो भगवान तो आए नहीं, तो भूखा रहा। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, जब सातवां दिन हुआ तो जट्टा आ गया। जट्टा, मेरे को भूखा मारना है, मेरे को मरना हुआ देखना है। हम तो सुना भगवान दयालु है, तुम तो पत्थर के बाहर से देखते हो, दिल भी पत्थर का है क्या? क्यों आते नहीं, प्रकट हो जाओ। तुम नहीं प्रकट हो जाओ तो मैं सदा के लिए प्राण छोड़ दूंगा। ले आया छुरा, तुम ऐसा नहीं करना है। छुरा ले आया, बोला आते हो कि नहीं आते हो, आते हो कि नहीं आते हो, मैं तो छुरो यूं भोंक रहा हूं, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बोलो प्रकट हो जाओ, हो जाओ। ए ए देख लो, मूर्ति हिली, प्रकाश निकला, जा हे धन्ना धन्ना धन्ना, माफ कर माफ कर, मैं खाता हूँ रोटी, चपर 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 चपर। अरे मेरे लिए तो रखो, सब तुम खाए गए, मैं भूखा हूँ। अरे ओम 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 ओम, धन्ना जाट गया। कर्मा बाई की खिचड़ी खाली भगवान कृष्ण ने, जाटण थी, अनपढ़ भाई थी। आज भी कैसेटों में भजन सुना होगा, खाई लो कर्मा बाई रो खिचड़ो, हे नंद रा गोपाल, खाई लो कर्मा बाई रो खिचड़ो। मीरा बाई का दूध पी लिया भगवान ने, वो जहर डाल के भेजा। ये तो दे भेजा जहर डाल के, क्या पता ही, ठाकुर जी को भोग लगा अमृत में, ठाकुर जी को भोग लगा अमृत में ही। सासू ने सांप घड़े में सांप डाल के मुंह बांध के मीराबाई को भेजा कि सुबह 4 बजे तू पूजा करती है ना, तो बढ़िया हार है गुलाब का, वो कपड़ा खोलना और वो हार निकाल के ठाकुर जी को पहराना, और भूखा सांप पकड़ने जाएगी तो काटेगा, तो भले मरे मेरा, मेरा तो भगवान का रात को सुमरण करके शांति से भगवान की गोद में मैं जा रही हूँ। सुबह उठे तो भगवान का ध्यान करे, नहा धो के ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, और बाद में भगवान की सेवा करने के लिए बड़ा गुलाब का हार है। गुलाब का हार तो क्या, समझ गई? देखा है सांप माँ यूँ निकालने गए, भगवान ने देखा ये तो हार समझ के निकालते, सांप में सांप अदृश्य कर दिया। भगवान ने हार प्रकट किया और महिला ने हे भगवान के गले में।